माया तो एक है। कबीर साहब ने कितनी मार्मिक बात कही है कि मन और माया में फर्क नहीं है, मन माया एक है। माया और क्या चीज है? क्या ये पेड़ पौधे माया है? क्या ये गाड़ी माया है? क्या ये पेंट शर्ट साड़ी सब माया है? क्या ये नर नारी माया है? ये घर मकान माया है? ये माया नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की आवश्यकता के सामान है, तुम्हारे जीवन को जरूरत है। रात्रि में विश्राम करने के लिए सुरक्षित स्थान तुम्हारा घर है, वो माया नहीं, वो घर है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन और लकड़ी प्रदान करते हैं, ये भी जिंदगी की जरूरत है। गाड़ी यात्रा के लिए जरूरत है। गाड़ी में अहंकार की कोई बात नहीं है। तुम्हें तरी घाट से पाटन पहुंचाने का वो साधन है वाहन, उसमें और कुछ भी नहीं है। हाँ, फिर भी लोग, कुछ लोग गाड़ी में बैठकर चलते हैं, थोड़ा ऐंठ कर चलते हैं, ऐसा भी होता है। और जो ऐंठ कर चलते हैं, गाड़ी में बैठ कर चलते हैं, फिर ऐंठ कर चलते हैं, वो बैठना माया नहीं है, ऐंठना माया है। जो ऐंठ गए, बैठ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन बैठ के फिर ऐंठ गए तो तो समझ लो माया में फंस गए। ऐंठने का मतलब होता है अहंकार दिखाना, और बड़े अज्ञानी लोग हैं। अहंकार का जन्म अज्ञान से ही होता है। आपके पास एक गाड़ी हो सकती, दो हो सकती, बीस हो सकती, लेकिन गाड़ी कंपनी के मालिक के पास कितनी गाड़ियां हैं सोचिए। आपने टाटा का एक ट्रक खरीदा है, लेकिन टाटा के मालिक जो हैं रतन टाटा, उनसे पूछो तुम्हारे कितने ट्रक हैं, तो वे कहेंगे लिस्ट देखना पड़ेगा। जिनके लाखों ट्रक पूरे देश में चल रहे हैं, 50 लाख ट्रक नेपाल में भी चल रहे हैं, उस रतन टाटा को कोई ऐंठ नहीं है। और जिन्होंने एक सेकंड हैंड ट्रक खरीदा है, वो धक्का मारने से ही स्टार्ट होता है, फिर भी ऐंठ इतनी है, पूरे गांव पे रुतबा दिखा रहे हैं। ये अज्ञानता नहीं तो है क्या? विचार कीजिए। और यही माया का रूप है असली। अहंकार वास्तविक माया है। धन का लोभ माया है, धन का जो लालच है। धनवान होना कोई बुरा नहीं है, धनहीन होना कोई पाप नहीं। आपके भाग्य में धन उतना नहीं है, इसका मतलब तुम बेकार हो गए, वो बात नहीं। धन तो विभीषण के पास भी नहीं था, वनवास के समय धन तो राम के पास नहीं था, लेकिन राम भगवान कहे गए थे। रावण के पास तो बहुत धन था, पर वो राक्षस बताया गया। लेकिन कृष्ण के पास में सोने की द्वारिका है, फिर भी वो भगवान कहे गए। यानी इसका मतलब ये नहीं कि धन सब फेंक दो तो तुम भगवान बन जाओगे, नहीं, उससे भी भगवान नहीं बनोगे। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि धनवान हो तो तुम राक्षस हो गए, नहीं, कृष्ण भगवान भी धनवान थे, सोने की द्वारिका थी, लेकिन राक्षस नहीं बने थे, भगवान कहे गए थे। याद रखना, धनहीन होने से, धनवान होने से कोई बुरा और अच्छा नहीं होता है। आदमी अपने चरित्र आचरण और कर्मों से अच्छा और बुरा बनता है, इसलिए कर्म आचरण को अच्छा बनाइए तो हर परिस्थिति में तुम महान हो। ये तो समय बदलता रहता है, समय परिवर्तन होता रहता है, विचार इस पे करना। उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं, कभी गरीबी कभी अमीरी। हमारे संत लोग एक भजन गाते हैं, कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी कभी लोग अपनी कहानी बचपन की सुनाते हैं तो रोने लग जाते हैं,
अभी वे चलते हैं बहुत अच्छी गाड़ियों में, बहुत अच्छे मकान हैं, लेकिन बचपन की गरीबी का दुख याद आता है। बहुत से लोग मेरे सामने रो चुके हैं और ये भी बता चुके हैं खाने के लिए चावल नहीं थे, ये मेरे मम्मी पापा की दशा थी, बहुत दुख उठाया। और उस दुख को याद करके आज भी रो लेते हैं, और आज इतने धनवान हो गए तो भी रोते हैं। बोलते फटी अंडरवियर पहनता था मैं, मैंने कहा अब तो भूल जाओ, अब तो फटी नहीं है, फटी तो निकल गई, अब तो ठीक है। बोले ठीक है पर याद आती है तो दुख होता है, क्यों याद करते हो? बोले भूलता ही नहीं है। तो सत्संग की बातें क्यों भूल जाते हो? बोले वो याद होती ही नहीं है। जो याद करना चाहिए वो याद नहीं होता है, जो भूल जाना चाहिए वो भूलता नहीं है। भूलने का भी तुम्हारे अंदर सिस्टम है, लेकिन उसको तुमको सेटिंग करना है कि भूलना। तुम्हारे साथ में किसी ने दुर्व्यवहार किया है उसको भूल जाइए, क्योंकि उसको जब जब याद करोगे तब तब तुम दुख में डूब जाओगे, गुस्सा से भर जाओगे, तुम्हारे क्रोध आएगा कि ये दुष्ट ने हमको इतना तंग किया था, उसको भुलाइए। किसी ने तुमको ठग लिया है, तुम्हारा कुछ चोरी कर लिया है, तुम्हारी मनी, उसको भुलाने से ही सुख मिलेगा। जितना ज्यादा उसको याद करोगे मन बार बार ताजा दुखी हो जाएगा, इसलिए भूलना भी एक कला कहा गया है। और कितने लोग इतने महान होते हैं, उनको सुबह कोई कुछ कह दे दोपहर तक भूल जाते हैं, और फिर हंसते हैं प्रेम करते हैं। दोपहर में किसी ने कुछ बोल दिया तो शाम तक फिर भुला देते हैं, कहते हैं अरे आइए बैठ कर चाय पीते साथ में। अब कितने लोग तो अगर बचपन में कुछ हुआ है बुढ़ापे तक उनके अंदर टीस बनी रहती है, गांठ बना लेते हैं, और इतनी मजबूत गठान की कुछ पूछो मत। थोड़ा भूलना भी सीखो, और कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको याद करना भी सीखो। यदि तुम्हारे साथ किसी ने परोपकार किया है तो उसको मजबूत याद रखो, और उसको समय समय पर धन्यवाद भी दो कि आपने मुझको बहुत सहारा दिया था। उसको नहीं भूलना चाहिए, लेकिन आपने किसी का परोपकार किया है तो उसको भूल जाइए, अन्यथा तुम्हारा भविष्य बिगड़ सकता है, क्योंकि उसकी उलझन में ही तुम पड़े रहोगे, और इन दुष्टों की उलझन में अपने भविष्य को मत बिगाड़िए, भाग्य को मत बिगाड़िए, शांति को मत बिगाड़िए, सुख आनंद को मत बिगाड़िए। ये दुष्टों की कमी तो संसार में है नहीं, कोई ना कोई नोक झोंक तिकड़मबाजी करता ही रहेगा। इन सब दुष्टों को भुलाइए, इनके जंजाल से बचने की भी कला सीखिए, और जैसे इन प्रकारेण अपनी मस्ती और हस्ती को बचाते हुए चलिए, आपकी जिंदगी में सदैव खुशी बनी रहेगी। कभी धनवान है कितना, गाइए भाव से गाइए, हमारी तरफ मत देखिए, किताब खोल के बैठ जाइए। सबका स्मरण बराबर नहीं होता है, किताब से देख कर भी पढ़ो तो बुरा नहीं, मेरी बराबरी क्यों करोगे तुम? मुझे तो 7 जन्म बहुत तपस्या किया हूँ, तो प्रखर खोपड़ी मिली है, बहुत दिमाग साफ सुथरा, और कुकर्म कभी किया नहीं हूँ इसलिए और साफ सुथरा। जितनी ज्यादा गलतियां करोगे, बुरे कर्म करोगे, ये खोपड़ी सब मलिन हो जाएगी, स्मरण शक्ति भी बर्बाद हो जाएगी। बहुत मन निर्मल रखना पड़ेगा, दिमाग फ्रेश रहे। और किसी किसी को तो बुद्धि ही कम मिली है, अब कम मिली है तो कम से काम चलाओ जैसे चले, अब क्या करोगे इसमें, अब तुम्हारा क्या उपाय है? ये बहुत पुण्य जन्म, कितने जन्मों का पुण्य होता है जिससे आपको बुद्धि मिलती है, शरीर भी उसी ढंग का मिलता है,
और उसी ढंग के तुम्हारे विचार हो जाते हैं। ये अनेक जन्मों के पुण्य के फल से कोई दिव्य आत्मा का जन्म होता है और सभी लोग दिव्य आत्मा बन सकते हैं, संभावना है। पुण्य करते रहो, सत्कर्म करते रहो, एक न एक दिन ऐसा अवसर आएगा तुम भी दिव्य आत्मा हो जाओगे। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। गाइए। कभी धनवान है इतना, कभी धनवान निर्धन है। निर्धन होना, दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपके पास धन कम है, लेकिन केवल रुपया पैसा ही धन नहीं है। सदगुरु विशाल देव कहते हैं, धन से कीमती धन तुम्हारा चरित्र रूपी धन है, धन से भी ज्यादा कीमती धन तुम्हारी मृदु वाणी है, धन से भी अधिक कीमती धन तुम्हारे सत्कर्म है, धन से भी अधिक कीमती धन तुम्हारा सुंदर स्वभाव है। विशाल देव कहते हैं, ये दया भी धन है। दया धन, क्षमा धन, सहनशीलता धन, ये ऐसा धन है, सद्गुणों का धन, सदाचार का धन। ये धन तुम्हारी जिंदगी को धन्य कर देता है। ये रुपये पैसे का धन तो केवल तुमको सामान दे सकता है, लेकिन सद्गुण और सदाचार का धन तुमको सम्मान देता है, सम्मान देता है। इसलिए कभी भी धन कम हो तो दुखी ना होना। प्रयास कीजिए मैं भी धनवान बनूं, लेकिन प्रयास करने से भी धनवान न बन सको तो मनोबल को डाउन मत करो। अपने को ये मत समझो कि हम बेकार हो गए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपका प्रेम भी तो बहुत बड़ा धन है। हनुमान जी के पास में धन नहीं था, लेकिन भक्ति थी। भगवान ने उनको गले लगा लिया था। रावण के पास धन था, लेकिन भक्ति नहीं थी, तो राम ने उसका गला काट दिया था। इतने बाण मारे, सर कटते चले गए, धनवान का गला काटा गया है। इसका अर्थ भी नहीं जितने धनवान हैं सब डर जाए कि मेरा भी गला काट देगा भगवान। धन के कारण गला नहीं काटा था, उसके पास में चरित्र का धन नहीं था, सदाचार का धन नहीं था, सद्गुण का धन नहीं था, इसलिए राम ने उसका गला काटा था। आपके पास में धन के साथ साथ में चरित्र रूपी धन है तो सोने में सुगंध है, फिर तो और अच्छी बात है। लेकिन कितना ही धनवान हो जाओ पर अपने स्वभाव में अहंकार मत आने देना, अभिमान ना आने देना। कार में चलो या हवाई जहाज में उड़ो, पर जीवन सरल ही रहना चाहिए, जीवन जटिल ना हो जाए कहीं। एरोप्लेन में उड़ना कोई बुरा नहीं है, पैदल चलना कोई बुरा नहीं। पैदल चलोगे तो स्वस्थ रहोगे बाबा, पैदल चलोगे तो स्वस्थ रहोगे, और एरोप्लेन में उड़ोगे तो कम समय में मंजिल पर पहुंच जाओगे। फायदा है दोनों में। और पैदल यदि चलोगे तो फीवर नहीं आएगा, ये फायदा है। एक बहुत बड़े डॉक्टर सीएम मिश्रा बाराबंकी जिले के, उन्होंने बताया था कि 5 किलोमीटर पैदल चलो तेज चाल में, सर्दी जुखाम फीवर बुखार कभी भी नहीं आएगा। तो हमने कहा सब मरीजों को क्यों नहीं बताते हो, तो बोले सबको बता दूंगा तो मेरे फीवर आ जाएगा, हाँ मैं क्या करूंगा यहाँ। तो मैंने कहा मुझे क्यों बताते हो, बोले तुमको इसलिए बताता हूँ
कि आपको फीवर आएगा तो मेरा टाइम बर्बाद करोगे, जब यहाँ आओगे क्लिनिक में तो आपको मैं स्वागत सम्मान करूं कि मरीज देखूं और फिर एक घंटे बात करूं, अब गुरुजी हो तो इसलिए यहाँ आओ मत, इसलिए बता दिया, क्योंकि आपके फीवर में पैसा भी मिलना नहीं और 10 मरीज देखता वो टाइम भी बर्बाद हुआ। तुमने कहा मैं तो मंच पर सबको बता दूंगा। बोले तुम्हारा जो इच्छा हो बता दो। इसलिए बहुत बड़े वक्ता से हर बात बताना नहीं चाहिए, नहीं तो वो तो लाखों में बोल देगा। अब ये बात बोला हूं मैं, अब ये बात 17 करोड़ लोग यूट्यूब में सुनेंगे और यही बात टीवी में 10-15 करोड़ लोग सुनेंगे, और जो एक 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 आदमी एक एक को बताएगा तो फिर वो 34 करोड़ में पहुंच जाएगी बात। लेकिन कितना ही मैं बोल दूं, कितना ही तुम सुन लो, पर पैदल फिर भी नहीं चलोगे। क्यों नहीं चलोगे? चलने की हिम्मत ही नहीं है। फालतू लोग बैठे रहते, पैदल नहीं चलते। सुबह सुबह देखता हूं लोग सोकर जागते हैं, फिर बैठे हैं ढोल जैसे। उनसे पूछो क्यों बैठे हो, बोले यही तो मुझको पता नहीं क्यों बैठा हूं, तो उठ के पैदल चलो ना। बैठे बैठे उनका मुंह भब्भड़ हो गया है, ऐसे मुंह फदफदा हुआ है, बदसूरत बहुत बदसूरत, वो फिर भी बैठे।